हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है प्रभांशु, उसके दो डाउट्स यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक डाउट है 42 और एक दूसरा डाउट है 43। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे लगा रखे हैं, तो ये दोनों डाउट्स आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो जो 42 वाला डाउट है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। ये जो 42 वाला डाउट है, तो 42 क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया हुआ है कि जो डोमेन ऑफ एफेक्ट्स है, इसकी निकालनी है। fx ये आपका फंक्शन है, इसकी आपको डोमेन निकालनी है। तो बच्चों आप इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको log को डिफाइन करना पड़ेगा। तो log किसके पास है, ये है x प्लस टू अपॉन एक्स। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे कि x प्लस टू अपॉन एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो जब आप इसको ये कंडीशन लगाएंगे, तो ये कंडीशन से आपके पास ये आंसर निकल आ जाएगा वेवी कर्व पैटर्न से। उसके बाद ये अंडर रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जैसा कि अभी तक आप यही करते आए हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है तो हमेशा वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन इस तरह से ग्रेटर इक्वल टू जीरो बन जाएगी। अब यहाँ पर जो सेकेंड लाइन है, वो सेकेंड लाइन आप इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप वन को लिख सकते हैं log 0.2 और 0.2। और आपको ये पढ़ाया गया है कि यदि log का बेस जो होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ रिवर्स हो जाता है। ये देखिए, इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे रिवर्स हो गया, या लेस देन इक्वल टू था तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू हो गया। उसके बाद आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर आपका तभी होल्ड कर रहा है जब आपका log डिफाइन है। तो जो आपका log डिफाइन है उसको मैं देख लेता हूँ। वो log डिफाइंड इन कंडीशंस पे जो ऊपर लिखी है, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। अब बेटा अगर हम इन दोनों बातों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेने पर आपको क्लियर कट जो कॉमन रीजन नज़र आएगा, वो कॉमन रीजन आपको ये नज़र आ रहा है, ये कॉमन रीजन है। तो ये आपका बेटा आंसर बन जाएगा। उसके बाद बेटा सिमिलरली आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरे क्वेश्चन में भी आप पहले log को डिफाइन करेंगे, log को डिफाइन करने के बाद अंडर रूट के अंदर जो उसको पॉजिटिव कर देंगे, फिर इस कंडीशन को आप इस तरह से लिख देंगे। फिर जो है आपको ये बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी, मेरे ख्याल से इतना ये टफ नहीं है। तो मैं इस बात को दोबारा आपके सामने लिख देता हूँ। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो log टू द बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इस तरह से ये आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। तो उसके बाद बेटा आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये इस बात तरीके से ये बात बन जाएगी। उसके बाद आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिएगा। जब इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपके पास इस तरह से आंसर बन जाएगा। बस आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा पहले की तरह। तो ये आपकी जो log की डेफिनेशन है वो ऊपर ये नज़र आ रही है, और नीचे अभी आपने जो सॉल्व किया इनइक्वालिटी को वो ये नज़र आ रही है। दोनों का जब बेटा आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्लियर कट ये आंसर नज़र आ जाएगा। तो आई होप ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन, क्योंकि डोमेन निकालने का जो मेथड होता है मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई भी नया मेथड नहीं लगा रहा हूँ। तो इसी के साथ ये 42 और 43 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अगर आपको समझ में आया गया हो तो क्वेश्चन आप लाइक कर दीजिए।